आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई MPTET एग्जाम पेपर लीक मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में हुई संविदा परीक्षा में पेपर लीक होने से नाराज छात्रों ने पृथ्वीपुर तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। TET पेपर लीक होने से नाराज छात्रों ने बस स्टैंड से लेकर तहसील परिसर तक तख्ती और बोर्ड लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि TET परीक्षा को संबंधित पाठ्यक्रम के आधार ही कराया जाए और अन्य राज्यों की तरह परीक्षा को ऑफलाइन किया जाए तथा TET परीक्षा फर्जीवाड़ा से संबंधित व्यक्तियों पर उचित कार्यवाही की मांग करने के साथ साथ पुलिस आरक्षक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों की जाँच की मांग की है। विरोध कर रहे हैं सर, पुलिस और शिक्षक दोनों को लेके विरोध हो रहा है। क्या हुआ आप लोगों के साथ? सर, जनरली किसी भी लड़की को नहीं लिया गया और OBC में भी बहुत कम लड़कियों को लिया गया है। लड़कों के साथ भी सर गलत हुआ है, किसी को 32 पे लिया गया है, किसी को 73 पे नहीं लिया गया है। सर, किसी की एज ही निकल गई है रूम डालने के लिए, उसका क्या होगा बताओ आप? अपने बारे में बोलो, कितने नंबर सर? जनरल से हमारे 79 नंबर थे, 20 जनवरी को था फर्स्ट शिफ्ट में पेपर जी। सर, हमारा भी क्वालिफाई नहीं हुआ और सर हमारी यही पृथ्वीपुर से कोचिंग से लड़कियां हैं, उनका पहले सुबह क्वालिफाई शाम को नॉट क्वालिफाई प्रूफ है सर, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। भी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रूफ लाई है? कुछ है? दिखाएं, दिखाएं पहले। नहीं, ऐसा वो प्रिंट नहीं निकला है सर? प्रिंट निकला है, प्रूफ है। और एक दो लड़कियां और बोली गई हुई, एक दो लड़का बोली आपको तैयार नहीं है। एक बच्ची और बताएंगे जी, एक बच्ची को हाँ, एक बच्ची और बोले हैं। राखी, तुम भी बोली हो इस पे, नहीं आना है इधर बोलना। देखो जी, ऐसा प्रीति हर बार भैया दिखाओ नीचे का, देखो इसको। चलो ठीक है, वो ले ले, ड्रिल निकाल लो। राखी निकाल लो पहले। ठीक, एक बच्ची हो बोलो, राखी आ जाओगे वो है आगे आ जाओ जी। ज्ञापन दिया है, किस मांगों को ज्ञापन दिया है? प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है उसमें भ्रष्टाचार को लेके अभी विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। क्या मांग रखी थी उन्होंने? जो भी परीक्षाएं हुई हैं उसको निरस्त की जाए और उनकी जाँच की जाए। क्या आश्वासन दिया गया सर आपके पास? जो भी उन्होंने ज्ञापन दिया है उसको विधिवत माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब को भेजा जाएगा।